पक्षियों, आप सब इस दरिया के पास हर रोज शौच करते हो और फिर समय आने पर इसी दरिया का पानी भी पीते हो। ऐसे तो इस दरिया का सारा पानी गंदा हो रहा है। आपको पता है, इस तरह के गंदे पानी को पीकर हम पक्षी बीमार भी हो सकते हैं। अरे तो फिर हम क्या करें चिड़िया बहन? अपने इस खूबसूरत से जंगल को गंदा कर दे। इस पूरे जंगल में केवल एक दरिया के पास वाला इलाका ही है जहाँ कोई पक्षी नहीं रहता, इसलिए हम सब यहाँ पे शौच करते हैं। पक्षियों, हम अपने इस जंगल में जगह जगह शौचालय बनवाते हैं ना, इससे पक्षी आराम से उन शौचालयों में शौच कर सकते हैं और फिर ना ये दरिया का पानी गंदा होगा ना हमारा जंगल। चिड़िया बहन, हमारे पास इतना पैसा कहाँ कि हम अपने लिए शौचालय बनवा सकें? हम सारे जंगल के पक्षी ठहरे गरीब। कौवे भाई, इस जंगल में काफी सारे पक्षी हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ से पूरे जंगल में जगह जगह शौचालय बनवाते हैं ताकि हमारे जंगल के पक्षियों को शौच की कोई समस्या ना आ सके। पुनपुनी चिड़िया की ये बात सुनकर सारे पक्षी पुनपुनी चिड़िया की इस बात से सहमत हो जाते हैं और सब मिलकर पूरे जंगल में कई सारे शौचालय बनवाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते दो दिन बीत जाते हैं। पक्षियों ने लगभग सारे शौचालय बनाकर तैयार कर लिए थे। बस कालू कौवा, समर कबूतर और भूरा बाज इन तीनों के घोंसलों के पास शौचालय नहीं बना था। एक दिन सवेरे, अरे बाप रे, मुझे तो बहुत जोरों की लगी है, चलो मैं तुरंत हरे तोते के घोंसले के पीछे वाले शौचालय में जाता हूँ। कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ हरे तोते के घोंसले के पास वाले शौचालय में जाता है। उस समय शौचालय में कोई नहीं था। कालू कौवा उस शौचालय में चला जाता है। तभी हरा तोता तेजी से भागते भाग अपने घोंसले से उस शौचालय के पास आता है। वो जैसे ही शौचालय का दरवाजा खोलता है, दरवाजा अंदर से बंद था। अरे अरे, कौन है रे अंदर? दरवाजा खोल। अरे तू कौन है रे? दिखाई नहीं देता क्या? मैं शौच कर रहा हूँ। अरे इस जंगल में कई सारे शौचालय हैं, तू वहाँ जाना था ना, यही मेरे घोंसले के पास वाले शौचालय के पास क्यों आ गया? थोड़े समय बाद कालू कौवा शौच करके बाहर आता है। इस जंगल के हर पक्षी की घोंसले के पास एक एक शौचालय बनी है, बस मेरे घोंसले के पास कोई शौचालय नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं कहाँ जाऊँ शौच करने? जब पूरे जंगल में शौचालय बन रहे थे तब तुम्हें भी पक्षियों से कहकर अपने घोंसले के पास शौचालय बनवाना था ना। ये शौचालय केवल मेरा है और मैं और मेरा परिवार ही शौचालय में शौच कर सकते हैं। ये क्या बात हुई तोते भाई? इस जंगल में जितने भी शौचालय बनवाए गए हैं, उन सारे शौचालय पर हम सभी पक्षियों का अधिकार है। तभी समर कबूतर वहाँ तेजी से आता है और वो भी हरे तोते के घोंसले के पास वाले शौचालय में घुस जाता है और अंदर से दरवाजा बंद करके शौच करने लगता है। ये देखकर हरा तोता और गुस्सा हो जाता है। ओए कबूतर, बाहर निकल। मुझे शौच करने दे रहे तोते अच्छे से। अरे ये शौचालय क्या तेरे बाप की है? चल निकल बाहर। तो क्या तेरे बाप की है क्या? इस शौचालय पूरे जंगल की पक्षियों की है, इसे जो पक्षी चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है, इस पर किसी का भी हक नहीं है, समझे? कबूतर भाई, मैं भी कब से इस तोते को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे शौचालय हम सभी पक्षी के हैं, इन सभी शौचालय पर हम सभी पक्षी बराबर के हकदार हैं। जब इस जंगल में सारे शौचालय बनवाए जा रहे थे तब तुम्हें भी अपने घोंसले के पास एक एक शौचालय बनवाना था ना। तभी वहाँ उन तीनों पक्षियों में शौचालय को लेकर बहुत लड़ाई हो जाती है, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो जाती है। ये सारा झगड़ा देख कर वहाँ कई सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। तभी वहाँ पुनपुनी चिड़िया आती है। अरे अरे रुक जाओ पक्षियों, आप सब किस बात को लेकर इतना लड़ाई कर रहे हो? चिड़िया बहन, आप ही ने हम सारे पक्षियों के शौचालय बनवाने को कहा था ना, अब आप ही इस बात का फैसला करिए। कैसा फैसला कवि भाई, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कोई बताएगा? चिड़िया बहन, इस जंगल में हमने कई सारे शौचालय अलग अलग स्थानों पर बनाए हैं ताकि पक्षियों को दरिया के पास जाकर शौच न करना पड़े। अब मेरे और कौवे भाई के घोंसले के पास कोई भी शौचालय नहीं बना, तो हम शौच करने के लिए इस हरे तोते के घोंसले के पास वाले शौचालय में गए थे। तो ये हरा तोता हमसे कहता है कि वहाँ शौच नहीं करना है, इस शौचालय केवल उसका और उसके परिवार का है। अब क्या ये सही है?
नहीं नहीं तोते भाई, ये बिल्कुल गलत है। हमने जितने शौचालय इस जंगल में बनवाए हैं, वो सारे शौचालय हम सारे जंगल के पक्षियों के हैं। इसीलिए कोई भी पक्षी किसी भी शौचालय को अपना नहीं कह सकता। हर शौचालय पर हर पक्षी का अधिकार है, वो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। चिड़िया बहन, मैं सवेरे से शौचालय में जाने को बैठा हूँ, पर ये कौवा और कबूतर मुझे दोनों जाने नहीं दे रहे शौचालय में। जब इतने सारे शौचालय बनवाए जा रहे थे, तब आप सब पक्षियों ने इन दोनों पक्षियों के घोंसले के सामने भी एक शौचालय बनवा देना था ना, तो आज इतना सब होता ही नहीं। तभी वहाँ टिठहरी और भूरा बाज गुस्से में आते हैं। अच्छा हुआ पक्षियों, आप सब यही मिल गए। ये टिठहरी मुझे शौचालय में नहीं जाने दे रही, कहती है इसके घोंसले के पास वाला शौचालय केवल उसका है। ये बात सुनकर कालू कौवा और समर कबूतर दोनों मिलकर हरे तोते को खूब बातें सुनाते हैं। सारे पक्षियों में इतनी बहस हो जाती है कि सब एक दूसरे को मारने लगते हैं और सब गुस्से में जंगल के सारे शौचालय को एक एक करके तोड़ देते हैं। पुनपुनी चिड़िया ये सब देखकर दंग रह जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, बस करो पक्षियों, ये क्या शौचालय के लिए आप सब एक दूसरे से दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो। मैंने इस जंगल में शौचालय बनाने का कहकर सबसे बड़ी गलती कर दी। इतनी मेहनत से हम सब ने इतने सारे शौचालय बनवाए थे, पर आप सबने अपनी बेवकूफी की वजह से वो सारे शौचालय एक पल में ही तोड़ दिए। चिड़िया बहन, अब हम सारे पक्षी दरिया के पास ही शौच करेंगे। आपने हमें ये सारे शौचालय बनाने का कहकर हम सारे पक्षियों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। ये सब आपके कारण ही हो रहा है। चिड़िया बहन, ना हमें आप शौचालय बनवाने को कहती और ना इतनी सारी लड़ाई होती। ये सारी लड़ाई की जिम्मेदार केवल आप है चिड़िया बहन। कालू कौवे की ये बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी भी पुनपुनी चिड़िया को इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं और सब पुनपुनी चिड़िया को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। ठीक है पक्षियों, अगर आप सबको लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। अब आपको जो करना है आप वो करिए, अब मैं इस जंगल में एक पल भी नहीं रुकूंगी। इतना कहकर पुनपुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है। इधर जंगल के सारे पक्षी फिर से पहले जैसे ही उस दरिया के पास जाकर शौच करने लगते हैं। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। सारे पक्षियों का दरिया के पास शौच करने से पूरे जंगल के पक्षी एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते कई सारे पक्षियों की मृत्यु भी हो जाती है। इतनी गंभीर बीमारी से परेशान होकर एक दिन जंगल के सारे पक्षी एक स्थान पर जमा होते हैं। ये सब क्या हो रहा है पक्षियों, हमारे जंगल में ये सब बीमारी का शिकार कैसे बन गए? कौवे भाई, चिड़िया बहन ने जो इस जंगल में शौचालय बनवाए थे, वो उनका एकदम सही फैसला था। उन्होंने सही कहा था कि हमारा दरिया के पास शौच करना गलत है। चिड़िया बहन ने हम सबकी भलाई के लिए इतने सारे शौचालय बनवाए थे और हमने अपनी बेवकूफी की वजह से वो सारे शौचालय तोड़ दिए और आज हम सब इतनी गंभीर बीमारी का शिकार बन चुके हैं। सारे पक्षियों को अपनी अपनी गलती का एहसास होने लगता है और सब फिर से पूरे जंगल में शौचालय बनवा देते हैं।